नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। भीमा कोरेगांव की घटना का मामला। भीमा कोरेगांव में एक घटना हुई थी, उसी मामले में रांची के रहने वाले फादर स्टैन स्वामी को फर्जी फंसाया गया था, जो फादर स्टैन स्वामी का केस से कोई लेना देना भी नहीं था। भीमा कोरेगांव की घटना में फादर स्टैन स्वामी और उनके साथ कई निर्दोषों को फंसाया गया था। उसी मुद्दे को लेकर आज लखनऊ के शहीद स्मारक पर सोशलिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। देखिए, फादर स्टैन स्वामी अभी पिछले दिनों मर गए। उनको हमारी सरकार ने भीमा कोरेगांव में घटना हुई थी उसमें आरोपी बनाया था, जबकि उनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं था। जब पहली बार उन रांची में जहां रहते थे बगैचा नाम की जगह पे, जब वहां छापा पड़ा तो उन्होंने अपने वकील मिहिर देसाई से पूछा कि भाई ये भीमा कोरेगांव क्या है, तो जिसका किसी घटना से लेना देना नहीं है आप उसको फर्जी आरोपी बना देते हैं और 9 महीना जेल में रखते हैं 84 साल के आदमी को और एक भी दिन पूछताछ नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि आपने जेल में रखा क्यों था, जब आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उसको जेल में रखा क्यों था। और जब वो 84 साल का आदमी जिसको पार्किंसन रोग है, यानी कि उसका हाथ हिलता है, वो गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ सकता, वो कहता है कि मुझे पीने के लिए आप सिपर दे दीजिए, तो कोर्ट वो देने में भी देरी करती है। और जब उसको कोविड हो जाता है, उसका इलाज नहीं होता है, 10 दिन बाद वो अस्पताल में भर्ती होता है और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे चला जाता है और मर जाता है। और वो कह रहा है कि मुझे बेल दे दीजिए ताकि मैं अपने अंतिम दिन अपने लोगों के बीच में गुजार सकूं। इस देश की न्यायालय ने उसको ये भी छूट नहीं दी और वो हिरासत में मर गया। तो हम लोगों का कहना है कि ये सांस्थानिक हत्या का मामला है, भारत की सरकार ने उसकी हत्या की है और जो लोग उनको फर्जी फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।